नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 8 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल हर बीतते दिन के साथ गर्म होता जा रहा है। हर पार्टी, हर वर्ग के वोट के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसी कड़ी में आज आइकॉन पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। यूपी के अलग अलग हिस्सों में दलित वोटों की लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के अंबेडकर स्मारक की साफ सफाई हुई। योगी के आदेश पर खुद डीएम ने जाकर पूरे स्मारक की साफ सफाई करवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन का सियासी मैसेज क्लियर है। मायावती से दूरी भले हो, लेकिन सभी महापुरुष हमारे हैं। आपको बता दें कि मायावती के कार्यकाल में ही अंबेडकर स्मारक बना था। लखनऊ में इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने अंबेडकर स्मारक पार्क जाकर आज की साफ सफाई देखी और ये रिपोर्ट भेजी। बीएसपी प्रमुख मायावती के बनाए स्मारक अब फिर सुर्खियों में है। आज लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश लखनऊ के अम्बेडकर पार्क और काशीराम स्मारक पहुंचे। यहां देखा कि इन स्मारकों का क्या हाल है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम इन स्मारकों को देखने आए थे। अब इसके पीछे सियासत क्या है वो आपको समझाते हैं। वैसे तो जो महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन हमारे देश में अलग अलग पार्टियों के महापुरुष हैं। कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, तो कुछ बीएसपी के हैं। अब बीएसपी मायावती के महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर पर बीजेपी की नजर है। अभी पिछले महीने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने का ऐलान किया और कहा कि वहाँ 25 फुट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। यानी कि जो अंबेडकर के फॉलोअर्स आएंगे लखनऊ, वो मायावती के बनाए इन स्मारकों में भी आएंगे और मुख्यमंत्री योगी के बनाए स्मारक में भी जाएंगे। वैसे जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने यहाँ स्मारक बनाए, बड़े बड़े मूर्तियां लगाई। उस समय ये स्मारक बिल्कुल चमकते थे, यहाँ कहीं आपको धूल नहीं दिखाई देती। लेकिन मायावती की सरकार जाने के बाद यहाँ जगह जगह गेट्स टूट गए, जो खूबसूरत सैंडस्टोन्स हैं वो यहाँ पे गिर गए। लेकिन अब चुनाव आया है तो योगी सरकार ने इन स्मारकों की सुध ली है और ये कहा जा रहा है कि ये स्मारकों की अब सरकार सफाई कराएगी। वैसे 2018 में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, करीब 40 मूर्तियां यहाँ सफाई कराई थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, मायावती की मूर्तियां थी। अब उत्तर प्रदेश में जातीय गणित बहुत मायने रखती है चुनाव जीतने के लिए, तो बीजेपी को ये मालूम है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो दलित वोट है और जो ओबीसी वोट है उसको लेना बहुत ज़रूरी है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव या 2017 का विधानसभा चुनाव, बड़ी तादाद में बीजेपी ने अखिलेश यादव और मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाई। 2007 में हमने देखा था कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में 68 सुरक्षित सीट्स जीती थी, लेकिन 2017 आते आते ऐसी गणित बदल गई कि यहाँ पे 86 जो सुरक्षित सीट्स थी उनमें से मायावती सिर्फ 2 जीत पाई और बीजेपी 68 जीत गई। तो अब बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन महापुरुषों के जरिए वो फिर से इन वो जो वोट बैंक है, अखिलेश यादव का हो या मायावती का हो, उसमें सेंध लगाए। और पूरी कोशिश यही बताने की है कि चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, वो सिर्फ मायावती के नहीं हैं, और डॉक्टर लोहिया हो, वो सिर्फ अखिलेश यादव के नहीं हैं, बीजेपी के भी वो नेता हैं। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। आइए आपको अब हम सीधे लखनऊ के अंबेडकर पार्क ही लेकर चलते हैं, जहां से रुचि कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। इसकी साफ सफाई अभियान के पीछे की बहुत पॉलिटिक्स और रुचि आपकी रिपोर्ट में हमको समझ में आ गई, लेकिन ये पहले तो ये बताइए कि आपने वहां जाकर जो हालात देखे तो पहले क्या हुआ करते थे, बीच में क्या हुए और आज कितना अंतर आया? देखिए, मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की तो दिन रात ये जो स्मारक हैं वहाँ पे काम चलता था, वो चाहे बनने का काम हो, बिल्कुल चमकाए जाते थे, पूरे टाइम यहाँ सफाई होती रहती थी और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती थी। लेकिन अब जब मायावती चली गई, सत्ता से बाहर हो गई, तो इन स्मारकों का बुरा हाल हुआ। लाइट्स भी कई बार बंद हो जाती थी, जो गेट्स हैं वो लोग तोड़ के ले गए और जो सैंडस्टोन सुंदर सुंदर यहाँ खूबसूरत लगे हैं वो कई कई जगह गिर गए। अब जब चुनाव आया है तो हम देख रहे हैं कि आज डीएम अभिषेक प्रकाश यहाँ भी आए थे और यहाँ से कुछ दूर जो काशीराम स्मारक है वहाँ भी गए थे। डीएम से हमारी बात हुई
लिए उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जिन लोगों ने लापरवाही बरती है। अब आप देखिए चारों तरफ ये जो यहाँ अम्बेडकर स्मारक में है मूर्तियाँ मायावती ने लगाई, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई, सामने आपको काशीराम की भी मूर्ति यहाँ पर दिखाई देगी, तो बड़ी तादाद में जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और इन स्मारकों को देखते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि जो दलित वोट है उसको अपनी तरफ लेने के लिए इन स्मारकों को फिर से पहले की तरह चमकाना बहुत जरूरी है। अभी तो जितनी तस्वीर दिखी सब जगह हर कोना बड़ा चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जरा आपके कैमरे के जरिए दर्शक भी एक बार देख लें कि ये स्मारक दिखता कैसा है। देखिए आपको दिखाएं बहुत भव्य मायावती जो बनाती थी बड़ा बड़ा बनाती थी, यहाँ अम्बेडकर स्मारक है बहुत भव्य बनाया है, काशीराम स्मारक है, लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्मारक है, यहाँ से बाहर जाएंगे जो सड़क है वहाँ भी मूर्तियाँ लगी हैं, उसमें मायावती की भी मूर्ति है। ये पूरा देखिए इस तरह से अंदर स्मारक बनाया गया है, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इधर दाहिनी तरफ मेरे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति आपको दिखाई देगी। बाहर अगर हम आपको सौरभ ले जाएँ तो बाहर बहुत ही सुंदर है, बहुत दूर से पूरा रेड सैंडस्टोन से ये बनाया गया है और ये सालों में बना है। मायावती जब पहले बनी मुख्यमंत्री तब उन्होंने ये पार्क बनाना शुरू किया था और जब 2007 में वो मुख्यमंत्री बनी तो इस पार्क पे बड़ा काम हुआ और इसको बड़ा रूप दिया गया और ज़्यादा इसमें हाथी भी बहुत सारे लगे हैं। मायावती की मूर्ति जो है बाहर आप सड़क पे जाएंगे वहाँ पे मायावती की मूर्ति भी लगी है, तो आपको हम इसका चारों तरफ का नज़ारा सौरभ दिखाते हैं। कुछ इस तरह से अम्बेडकर पार्क यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, उधर दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो आपको हाथियों की कतार देखने को मिलेगी, ये सारे अशोक के पिलर्स इन्होंने यहाँ लगाए हैं, सामने भी दो गुंबद आपको दिखाई देंगे। तो पूरा स्मारक आपको दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी ये मायावती का स्मारक यहाँ जो गोमती नगर है जो लखनऊ का पॉश इलाका है वो यहाँ पर दिखाई देगा। मुझे याद आ रहा है जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम इन स्मारकों को ऐसे का ऐसा रखेंगे, हम इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि बाबा साहब की याद में कोई भी गलती हम करें। योगी सरकार आई उन्होंने भी इन स्मारकों में के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, जबकि बहुत सारे मुझे याद है लोग ये कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े मैदान हैं ये पार्क हैं इनका कोई उपयोग कीजिए, लेकिन ये स्मारक ही रहे, तो अब इनको चमका करके अब बाबा साहब की लेगेसी को अपनाने की पूरी कोशिश है। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये कहा गया कि बहुत बड़े स्मारक बनाए गए हैं, यहाँ पर कुछ थोड़े सा इलाके को इस्तेमाल किया जाए, शादी घर बना दिया जाए जिससे इनकम हो, जिससे इनकी मेंटेनेंस हो। कुछ जगह थोड़ा सा हुआ भी, जो यहाँ पर स्मृति उपन है जो रमाबाई स्मारक मैदान है वहाँ पे लखनऊ फेस्टिवल भी हुआ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह के स्मारक थे वैसे ही रखा गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तब भी इनमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि जो मूर्तियाँ लगी हैं इस अम्बेडकर पार्क में भी और बाहर सड़कों पर भी, जिसमें मायावती की भी मूर्ति है, डॉक्टर अम्बेडकर की है, काशीराम की और दलित महापुरुषों की है, उनको बिल्कुल चमकाया गया, उनको साफ किया गया, क्योंकि इतने सालों में वो काफी ज्यादा गंदी हो गई थी, तो उसके लिए विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी सफाई यहाँ कराई गई। सौरभ चलिए रुचि, जब मायावती ने ये पार्क्स बनाए थे, स्मारक बनाए थे, तब कहा गया था कि बाबा साहब के नाम के नाम पर वो अपना अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। बहरहाल बाबा साहब की याद ताजा रखने के लिए, उनके विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए ये स्मारक बने हैं, तो इनको ढंग से रखा भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।